का सवाल लेते हैं और यस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं, ये होल्ड करें या ना करें, अगर होल्ड करें तो क्या टारगेट आ सकते हैं? देखिए, यस बैंक बेसिकली बेस बना रहा है और कभी कभी बेस बनाते बनाते वक्त लगता है। बेस करेक्ट 21 के आसपास। मेरे लिए यस बैंक 5 ईयर्स के लिए होल्ड है, 1-2 महीने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब ये 29 का ये जोन है, ये पार कर लेगा, उसके ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोज मिल जाता है, तो मैं कहूंगा ये स्टॉक बॉटम आउट हो चुका। फिर इसका टारगेट क्या होगा? फिर टारगेट अभी 100 होगा, लेकिन 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब ट्रेड करें 20, अगर 20 to 180 rupees, 5 times फ्रॉम है, मल्टीप्लाई अगर बन सकता है, अगर आपको होल्ड करने का पेशेंस है 3, 4, 5, 6 साल ऐसा मिले, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म बाय होना चाहिए, इतना कह सकता हूँ। यस बैंक में बेस बन रहा है और बेस बनते बनते अगेन वक्त लगता है। ओके, लॉन्ग टर्म बाय हो सकता है, बीस बनते बनते वक्त लगेगा। आकाश वाणी नाम है इनका। मेरे साथ नमस्कार शांतिलाल जी, नमस्कार। बताइए सर। हाँ, मैंने यस बैंक का 2000 शेयर लिया हुआ है। हाँ, 19 रुपया 55 पैसे। और कुछ सोच कर लिया है आपने इसमें? हाँ नहीं, लंबी अवधि के लिए लिया है। रत्नेश, मेरे ख्याल से अब आप इनको दिशा बताएं कि क्या इसमें रुकना चाहिए या इस स्पेस में इनको कहीं और एंट्री लेनी चाहिए। नहीं, यस बैंक स्टॉक है, इन्होंने 2000 शेयर लिए है, अभी भी भाव के आसपास ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी किसी भी तरह का इसमें मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी इसमें कोई रिटर्न आने वाला है। बाजार ऑल टाइम हाई पे रही है, अपने लगभग लो पे काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें को निकल के दूसरे स्टॉक्स जो कि काफी थोड़े से जिनके थोड़े से फंडामेंटल भी ठीक है और टेक्निकल पैटर्न भी ठीक है, उसमें इनको निवेश करने की सलाह रहेगी पैसा निकाल के, तो मेरे हिसाब से वहां पे थोड़ा जल्दी इनको रिटर्न मिले।